Welcome friends, today we read class 10th first lesson, The Book That Saved the Earth. This is an interesting lesson of class 10th Rajasthan board. In this lesson, this is a play, and this play, now we start, The Book That Saved the Earth. Prithvi jisne prithvi kitab, that the book kitab, That saved the earth, जिसने पृथ्वी को बचाया. In this play, there are characters. तो कौन-कौन से हैं पात्र? एक तो है historian, इतिहासकार है. दूसरा है great and mighty think tank. This is the king of Mars. ये मंगल ग्रह का राजा है. Apprentice Noodle है. Captain Omega है. Lieutenant Iota है. Sergeant Op है. और off stage voice यानी पर्दे के पीछे की आवाज इसके अंदर आती है. तो सीन फर्स्ट है, रीड एंड फाइंड आउट. और इस पहले सीन को पढ़ करके हम पता लगाएंगे, व्हाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक. एरा एरा इन युग, व्हाई यानी क्यों, जो 20वीं शताब्दी है वो किताबों का युग क्यों कही जाती है. और दूसरा क्वेश्चन है, हु ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी. 21वीं शताब्दी के अंदर किसने भारत के ऊपर, किसने अर्थ यानी पृथ्वी के ऊपर हमला करने की कोशिश की. इन्वेड, इन्वेड यानी हमला. तो टाइम 25th सेंचुरी. तो ये जो समय है इस नाटक का वो है आज से लगभग 25th यानी 25वीं शताब्दी का है, यानी 500 वर्ष आगे का समय है. प्लेस द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, जो प्राचीन इतिहास का संग्रहालय है वहां की घटना है. डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ, प्लेनेट यानी ग्रह, जो पृथ्वी ग्रह है उसके ऊपर जो डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी का इतिहास का विभाग है वहां की यह घटना है. बिफोर राइज, पर्दा उठने से पहले. स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन, स्पॉटलाइट है वो हिस्टोरियन के ऊपर पड़ती है. हु इज सिटिंग एट ए टेबल डाउन रिच, जो बैठा हुआ है एक टेबल के ऊपर नीचे की ओर. ऑन विच इज ए मूवी प्रोजेक्टर, जिसके ऊपर एक मूवी प्रोजेक्टर है यानी चलचित्र प्रोजेक्टर है. ए साइन ऑन ए इजल बिसाइड्स, ए साइन एक चिन्ह ऑन ए इजल बिसाइड हर रीड्स, और एक चित्रफलक है उसके एक तरफ वह पड़ती है. म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय. डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी का विभाग. शी स्टैंड्स, वह खड़ी होती है. एंड बाउज, और सिर झुकाती है. टू ऑडियंस, श्रोताओं के पास में, तो श्रोताओं या दर्शकों के सामने सिर झुका के उनका अभिवादन करती है. हिस्टोरियन, गुड आफ्टरनून, दोपहर की नमस्कार. वेलकम टू अवर म्यूजियम, हमारे संग्रहालय में आपका स्वागत है. ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का. एंड माई डिपार्टमेंट, और मेरा जो विभाग है. क्यूरियोसिटी, जिज्ञासाएं. ऑफ द गुड ओल्ड, अच्छी प्राचीन की. फार ऑफ 20th सेंचुरी, बहुत पहले 20वीं शताब्दी की. द 20th सेंचुरी वाज ओपन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, और जो 20th यानी 20वीं शताब्दी है उसको किताबों के युग के नाम से जाना जाता था. इन दोज डेज, उन दिनों. देयर वर बुक्स, वहां पर किताबें थी. अबाउट एवरीथिंग, प्रत्येक प्रकार की. फ्रॉम एंट ईटर्स टू जुलूज, और जो चींटी खाने वाले आदमी हैं वहाँ से लेकर के जो दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति है उनके लिए भी किताबें थी. बुक स्टार्ट पीपुल, और किताबें लोगों को सिखाती थी. हाउ टू, कैसे. एंड व्हेन टू, और कब. एंड वेयर टू, और कहाँ. एंड व्हाई टू, और क्यों. दे इलुस्ट्रेट, वे इलुस्ट्रेट यानी चित्र सहित समझाती थी. एजुकेटेड, शिक्षा देती थी. पंचुएटेड, विराम चिन्ह बताती थी. एंड इवन डेकोरेटेड, और यहाँ तक सजी हुई थी. बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग, लेकिन सबसे विचित्र चीज. ए बुक एवर डिड, जो किसी किताब ने कभी किया. वाज टू सेव द अर्थ, उसने पृथ्वी को बचाया. यू हैवंट हर्ड, आप लोगों ने यह नहीं सुना होगा. अबाउट द मार्शियन इन्वेंशन ऑफ 2014, मार्शियन ये जो मंगल ग्रह के वासी हैं उन्होंने हमला किया, आक्रमण किया 2040 ईस्वी में. टस्क टस्क, वाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ डेज, वो आजकल क्या पढ़ाते हैं. वेल ठीक है, यू नो, आप जानते हो. द इन्वेंशन नेवर रियली हैपेंड, कि वास्तव में हमला कभी हुआ नहीं था. बिकॉज ए सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि एक केवल एकमात्र किताब ने इसको रोक दिया. व्हाट वाज द बुक,
वो किताब क्या थी? यू आस्क, आप पूछोगी। ए नोबल एनसाइक्लोपीडिया, एक नोबल यानी भद्र विश्व कोश था, ए टोम अबाउट रॉकेट एंड मिसाइल्स, या टोम टोम यानी एक स्मारक वृत्त ग्रंथ था अबाउट द रॉकेट, रॉकेट का या मिसाइलों का, ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम ओवर स्पेस, या फिर हमारे अंतरिक्ष की कोई सीक्रेट, सीक्रेट यानी गुड फाइल थी। नो, नहीं, वाज नॉन ऑफ दोज, इनमें से यह कुछ भी नहीं था। इट वाज, यह था, बट हियर, लेकिन यहाँ, लेट मी टर्न ऑन, मेरे को चालू करने दो द हिस्ट्रोस्कोप, हिस्ट्रोस्कोप को, एंड शो यू, जिससे कि मैं आपको दिखाऊं व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरीज अगो, कि बहुत सी शताब्दी पहले क्या घटित हुआ। इन 2040, 2040 में, शी टर्न्स ऑन, वह चालू करती है प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर को, एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, और इसके बाईं ओर इशारा करती है। ए स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, और जो स्पॉटलाइट है या वो बिंब प्रकाश है वो हिस्टोरियन की ओर जाता है, एंड कम अपो अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, और वह ऊपर वह नीचे जाता है थिंक टैंक के ऊपर। हुई सीटेड ऑन ए रेज्ड बॉक्स, जो एक उठे हुए बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ है। आर्म फोल्डेड फोल्डेड, उसकी भुजाएं फोल्डेड यानी मुड़ी हुई हैं। ही हैज ए ह्यूज एग शेप्ड हेनरी, और उसका ह्यूज यानी विशाल, एग शेप्ड अंडे के आकार का हेनरी यानी सिर है। एंड ही वियर्स ए लॉन्ग रोब डेकोरेटेड, और वह पहने हुए है एक लंबी रोब यानी पोशाक जो सजी हुई है विथ स्टार्स एंड सर्किल्स, तारे व सर्किल यानी गोलाकार आकृतियों से। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड बिसाइड हिम, और अप्रेंटिस नूडल नाम है वो उसके पास में खड़ा हुआ है। एट 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 एंड एलोब्रेट स्विच बोर्ड, और उभरा हुआ जो स्विच बोर्ड है। ए साइन ऑन ईजल रीड्स, और एक साइन एंड चिन्ह इसके ऊपर चित्र फलक के ऊपर पढ़ा जाता है। मार्स स्पेस कंट्रोल, मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ, और जो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है वो इन सब का सेनापति है। बाउज लो बिफोर एंटरिंग, अंदर घुसने से पहले झुकते हुए, नूडल बोविंग झुकते हुए, सिर झुकाते हुए, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ओ महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर और बुद्धिमान प्राणी। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपका क्या आदेश है? थिंक टैंक है। प्रीवियसली चिड़चिड़े पे या नाराजगी के ढंग से, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, आपने मेरे अभिवादन का हिस्सा छोड़ दिया है। अप्रेंटिस नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन, इन चीज़ों के ऊपर एक बार पुनः जाओ। नूडल, इट शैल बी डन सर, ऐसा ही किया जाएगा श्रीमान। इन ए सिंगिंग, गाते हुए, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ओ शक्तिशाली और महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स, मंगल ग्रह के शासक और उसके दो चंद्रमाओं के शासक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी पूरे ब्रह्मांड के अंदर। आउट ऑफ ब्रीथ, सांस छोड़ते हुए, व्हाट आर योर वर्ड ऑर्डर्स, आपका क्या ऑर्डर या आदेश है? थिंक टैंक, दैट्स बेटर नूडल, ये ज़्यादा अच्छा है नूडल। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विथ आवर मेंड स्पेस प्रोब इन दैट रिडिकुलस लिटिल प्लेनेट। आई विश टू प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन, मैं चाहता हूँ कि हम संवाद को जारी रखें विथ आवर मेंड स्पेस प्रोब, जो हमारा मानव निर्मित स्पेस प्रोब है या खोजी प्रोब यानी ग्रह खोजी यान है। टू दैट रिड्यूकुलस, टू दैट यानी की ओर, रिड्यूकुलस यानी हास्यपद, लिटिल प्लेनेट छोटा सा ग्रह, वी आर गोइंग टू पुट अंडर ओवर जनरस रूलरशिप, वी आर गोइंग टू पुट जिसको हम रखना चाहते हैं ओवर यानी हमारी, जनरस यानी उधार, रूलरशिप यानी शासनाधीन के अंदर। व्हाट डू यू दैट कॉल इट, आप इसे क्या कहते हो? अगेन एक बार पुनः कहो। नूडल, नूडल बोलता है, अर्थ 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 श्रीमान, योर इंटेलिजेंस आपकी बुद्धिमता। अर्थ, थिंक टैंक बोलता है, अर्थ पृथ्वी, ऑफ कोर्स निसंदेह, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, आप देखते हो कि कितना अमहत्वपूर्ण वह जगह है। बट फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले, समथिंग इम्पोर्टेंट, कोई चीज़ महत्वपूर्ण है। माई मिरर, मेरा दर्पण कहाँ है? आई विश, मैं चाहता हूँ टू कंसल्ट माई मिरर, कि मैं मेरे दर्पण से परामर्श ले लूँ। नूडल, इट शैल बी डन सर, ऐसा ही किया जाएगा श्रीमान। ही हैंड्स थिंक टैंक ए मिरर, वह थिंक टैंक को एक दर्पण दे देता है। थिंक टैंक, मिरर मिरर इन माई हैंड, मिरर मिरर मेरे हाथ के अंदर, हु इज द मोस्ट फैंटेस्टिकली इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड बींग इन द लैंड, हु यानी कौन, सबसे ज़्यादा
फैंटेस्टिकल यानी अद्भुत, बुद्धिमान गिफ्टेड यानी प्रदान किया या बीइंग यानी प्राणी है इन द लैंड जमीन के ऊपर। ऑफ स्टेज वॉइस पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है। आफ्टर रिपोज थोड़ी रुकावट के बाद में यू सर तुम श्रीमान थिंक टैंक स्मेकिंग मिरर स्मेकिंग एंड तमाचा मारते हुए उस दर्पण के क्विकर ज्यादा शीघ्रता से आंसर क्विक नेक्स्ट टाइम अगली बार जल्दी उत्तर देना। आई हेट ए स्लो मिरर मैं एक धीमी धीमे दर्पण को घृणा करता हूँ। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर वह दर्पण के अंदर अपनी स्वयं की प्रशंसा करता है। आह अरे देर आई एम ये तो मैं यहाँ पर मैं हूँ। आर वी मार्शियंस नोट ए हैंडसम रेस क्या हम मंगलवासी एक सुंदर जाति के नहीं है क्या। सो मच इतनी ज़्यादा मोर अट्रैक्टिव ज़्यादा आकर्षक देन दोज अगली अर्थलिंग्स की जो बद्दे पृथ्वीवासी हैं विद देयर टाइनी हेड्स उनके छोटे छोटे टाइनी यानी छोटे सूक्ष्म सिर हैं। नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड नूडल आप अपने दिमाग के अभ्यास जारी रखें एंड समडे और कुछ दिन में यू विल हैव ए बैलून ब्रेन आपका एक बैलून की तरह का दिमाग होगा जस्ट लाइक माइंड जैसा कि मेरा है। नूडल ओ नूडल ओ अरे आई होप सो माइटी थिंक टैंक मैं ऐसी ही आशा करता हूँ शक्तिशाली थिंक टैंक आई होप सो मैं ऐसी आशा करता हूँ थिंक टैंक। नाउ अब कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रोब जो स्पेस का खोजियान है उससे आप संपर्क करो। आई वॉन्ट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव वॉल आई वॉन्ट टू इन्वेड मैं हमला करना चाहता हूँ दैट यानी इस प्रिमिटिव आदिकालीन बाल यानी गेंद की ओर ऑफ मड जो कीचड़ की है कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच कॉल्ड इसको पुकारो बिफोर लंच लंच यानी दोपहर के भोजन से पहले। नूडल इट शैल बी डन सर ऐसा ही किया जाएगा श्रीमान। ही एडजस्ट लीवर्स वह लीवर जो उत्तोलक हैं उनको समायोजित करता है। ऑन स्विच बोर्ड के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक बजेज इलेक्ट्रॉनिक आवाज़ें एंड बीप्स और आवाज़ें आर हर्ड सुनाई देती हैं। एट द कर्टेंस ओपन जब पर्दा है वो खुलता है। अब सीन सेकंड आ गया रीड एंड फाइंड आउट इसको पढ़ करके अपन पता लगाएंगे व्हाट गेसेज आर मेड बाय थिंक टैंक कौन कौन से अनुमान हैं वो थिंक टैंक द्वारा किए गए अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ उन किताबों के बारे में जो पृथ्वी के ऊपर पाई जा गई। टाइम ए फ्यू सेकेंड लेटर कुछ समय बाद का है प्लेस मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी तो मार्स स्पेस नियंत्रण कक्ष और सेंट्रल जो पब्लिक लाइब्रेरी है उसके उसका है सार्वजनिक पुस्तकालय का है लाइब्रेरी इन पुस्तकालय। एट राइज जैसे ही पर्दा उड़ता है कैप्टन ओमेगा स्टैंड एट सेंटर कैप्टन ओमेगा है वो खड़ा हो जाता है केंद्र के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैटलॉग और खोलता है और बंद करता है सूची पत्रों को ड्रावर्स यानी दराजों को इन ए कंफ्यूज्ड फैशन एक एस्पंजस की शैली में। लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप और लेफ्टिनेंट आयोटा ऊपर की ओर है लेफ्ट बाई ओर काउंटिंग बुक्स इन ए बुककेस और वह काउंटिंग इन गिन रही है किताबों को एक किताबों की अलमारी में। सर्जेंट ओप इज एट राइट और सर्जेंट ओप है वो दाई ओर ऊपर की ओर है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए बुक खोल रहा है और बंद करा है किताबों को टर्निंग इट अपसाइड डाउन और इसे टर्निंग मोड़ रहा है ऊपर नीचे शेकिंग इट हिला रहा है एंड देम रिफलिंग और तब पन्नी पलट रहा है द पेजेज एंड शेकिंग इज हेड और अपने सिर को हिला रहा है। नूडल एडजस्टिंग नोट्स नोब्स यानी घूंडियाँ बटन या घूंडियाँ तो उन बटनों को समायोजित करते हुए आई हैव ए क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रूसर आई हैव ए क्लोज साइटिंग मैं एक नज़दीकतम का दृश्य देख रहा हूँ। स्पेस क्रू के जो दल के लोग हैं सर श्रीमान थिंक टैंक पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ इनॉर्मस गूगल से थिंक टैंक पुट ऑन में यानी पहनना ए पेयर एन एक जोड़ा ऑफ इनॉर्मस यानी विशाल गूगल्स यानी धूप के चश्मे एंड ट्रंस टूअर्ड्स द स्टेज टू वॉच और वह स्टेज की ओर चलता है देखने के लिए। दे सीम्स टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर वो प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर कुछ पृथ्वी के स्ट्रक्चर की ओर। थिंक टैंक एक्सीलेंट मैक वॉइस कॉन्टैक्ट बहुत ही शानदार मैक यानी बनाओ वॉइस कॉन्टैक्ट यानी आवाज का कॉन्टैक्ट। नूडल बोल रहा है स्पीकिंग इन टू ए माइक्रोफोन वह एक माइक्रोफोन के अंदर बोलता है। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू मार्स स्पेस कंट्रोल यानी मार्स या मंगल ग्रह का जो नियंत्रक कक्ष है वो बोल रहा है क्रियो प्रोब वन जो खोजी यान पहला के जो दल के सदस्य हैं उनसे मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रियो ऑफ प्रोब वन यानी मार्स मंगल ग्रह का नियंत्रक कक्ष है वो
खोजियान प्रथम से बातचीत बोल रहा है, कम इन, जल्दी आओ कैप्टन ओमेगा, एंड गिव अस योर लोकेशन, और आपकी लोकेशन यानी स्थिति है वो हमें दे ओमेगा। स्पीकिंग इन टू ए डिश, एक तस्तरी के अंदर बोलते हुए, विच इज ऑन ए चैन अराउंड हर नेक, जो एक चैन के ऊपर थी जो इसके गर्दन के चारों ओर है, हर उसके गर्दन के चारों ओर है। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, और कैप्टन ओमेगा है वो मार्स स्पेस कंट्रोल के अंदर है। लेफ्टिनेंट आइटा, अब देख लो हर नेक आ गया, इसका मतलब ये ओमेगा है वो क्या है, फीमेल करेक्टर है। लेफ्टिनेंट आयोटा सर्जेंट ऑफ, एंड आई हैव अराइव्ड, और हम पहुंच गए हैं ऑन अर्थ पृथ्वी के ऊपर विदाउट इंसिडेंट, बिना किसी घटना के। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस, और हम यहाँ पर आश्रय ले चुके हैं। इंडिकेट्स रूम, कमरे की ओर इशारा करते हुए। दिस स्क्वेयर, और यह वर्गाकार प्लेस इन जगह। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर, क्या आपको कोई आइडिया या विचार है क्या, या कि हम कहाँ पर हैं। लेफ्टिनेंट आयटा आयोटा बोलता है, आई कांट फिगर इट आउट, मैं इसकी गणना नहीं कर सकती। कैप्टन होल्डिंग अप ए बुक, एक किताब को पकड़े हुए, आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पिकुलर आइटम्स, ये जो विचित्र चीजें हैं ऐसे 2000 की मैं गिन चुकी हूँ। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज, और यह स्थान है कोई सॉर्ट इन प्रकार ऑफ स्टोरेज यानी भंडार का, बर्न यानी खलियान, ये किसी बर्न खलियान के भंडार का स्थान हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट ऑफ, आप क्या सोचते हैं। ओ बोलता है, आई हैव ए क्लू, मेरे पास में एक रहस्य है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, मैं 7 गैलेक्सी में जा चुका हूँ। बट आई हैवन नेवर एनीथिंग लाइक दिस, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मे बी देर आर हेड्स, हो सकता है कि ये हैट या टोपे हों। ही ओपन्स ए बुक, वह एक किताब को खोलता है, एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, और इसको अपने सर पर रख लेता है। से कहो, मे बी दिस इज ए हर्बर्डेसरी, और हो सकता है ये कोई विशायती खाना हो। ओमेगा बोइंग लो, नीचे झुकते हुए, परहैप्स शायद, द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ इट, मेरे को इसके आप फायदे बताओ। थॉट ऑन द मैटर, अपने विचार इस मामले में दो। थिंक टैंक बोलता है, एलिमेंट्री प्राथमिक रूप से, माय डियर ओमेगा, मेरे प्रिय ओमेगा, ओमेगा होल्ड वन, ए को पकड़ो, ऑफ द आइटम अप, इस चीज को ऊपर, सो दैट, जिससे कि आई मे व्यू इट क्लोजली, मैं इसको नजदीक से देख सकूं। ओमेगा होल्ड ए बुक, ओमेगा है वो एक किताब को पकड़ती है, ऑन और द पाम ऑफ हर हैंड्स, अपने हाथों के अंदर, यस सर, हाँ, यस यस, हाँ हाँ, आई अंडरस्टैंड नाउ, मैं अब समझ गया। सिंस अर्थ क्रिएचर आर ऑलवेज ईटिंग, जब से ये जो पृथ्वी के प्राणी हैं वो हमेशा खाते ही रहते हैं। द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ, और जिस जगह पर आपने अपने आप को पाया है, इज अनडाउटली, यह निसंदेह एक क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड, एक क्रूड यानी एसिस्ट रिफ्रेशमेंट यानी नाश्ते का स्टैंड है। टू आयोटा एंड ओप, आयोटा और ओप की तरह, ही सेज, वह कहता है, वी आर इन ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड, क्या हम एक नाश्ते की जगह के ऊपर हैं क्या। वेल ठीक है, द अर्थलिंग सर्टेनली हैव स्टैंड राइट, जो पृथ्वीवासी हैं वो निश्चित रूप से एक विचित्र भोजन रखते हैं। थिंक टैंक, दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड ए सैंडविच, और जो चीज़ आपके हाथ में है उसको सैंडविच कहा जाता है। ओमेगा नोडिंग, सिर हिलाते हुए, ए सैंडविच, एक सैंडविच। आयोटा नोडिंग, सिर हिलाते हुए, ए सैंडविच। ओप टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से किताब को लेते हुए, ए सैंडविच, एक सैंडविच। थिंक टैंक, सैंडविचेज आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट, सैंडविचेज हैं वो मेन यानी मुख्य स्टेपल यानी भोज्य पदार्थ होते हैं ऑफ द अर्थ डाइट, पृथ्वीवासियों के खाने के। लुक देखो, एट इसके ऊपर, एट इट क्लोजली नज़दीक से, ओमेगा स्क्विंजेज एट बुक, स्क्विंट्स यानी आँखें मिचका के देखना, तो ओमेगा आँखें मिचका के देखता है उस किताब के ऊपर। देर आर टू स्लाइस ऑफ वाट इज कॉल्ड ब्रेड, और यहाँ पर इसकी दो फाँके हैं जिनको ब्रेड या रोटी कहा जाता है। एंड बिटवीन देम, और उनके बीच में इज सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स, कुछ चीज़ भरी हुई है। ओमेगा
दैट इज करेक्ट सर, ये तो बिल्कुल सही है श्रीमान। थिंक टैंक, टू कन्फर्म माई ओपिनियन, मेरी राय को पक्का करने के लिए, आई ऑर्डर यू टू ईट, मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप इसको खाओ। ओमेगा, गल्पिंग निगलते हुए, ईट इट, इसको खाएं। थिंक टैंक, थिंक टैंक, डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, क्या आप शक्तिशाली थिंक टैंक के ऊपर संदेह करते हो क्या। ओमेगा, ओ नो नो, अरे नहीं नहीं, बट पूरे लेफ्टिनेंट आयोटा हैज नोट हैड हर ब्रेकफास्ट, लेकिन बेचारी आयोटा है उसने अभी तक अपना नाश्ता नहीं किया है। लेफ्टिनेंट आयोटा, आई ऑर्डर यू, लेफ्टिनेंट आयोटा, मैं तेरे को आदेश देता हूँ, ईट दिस, इसको खाओ, दिस सैंडविच, इस सैंडविच को। फिर आयोटा ड्यूबियसली यानी संदिग्ध रूप से, ईट इट, इसको खाऊं, ओ अरे कैप्टन कैप्टन, इट्स ए वेरी ग्रेट ऑनर टू बी, यह एक बहुत बड़ा सम्मान होता मेरे लिए, द फर्स्ट मार्शियंस, पहला मंगलवासी के रूप में, टू ईट ए सैंडविच, एक सैंडविच खाने के लिए। आई एम श्योर, मैं निश्चिंत हूँ, आश्वस्त हूँ, बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट, लेकिन मैं कैसे इतनी अविनम्र हो सकती हूँ, एज टू ईट बिफोर माई सर्जेंट, कि मैं मेरे सर्जेंट से पहले इसे खाऊँ। हैंडिंग ऑफ द बुक एंड सेइंग ब्राइटली, और वह बुक है वो उसे ऑफ को देते हुए, और उसने तेजी से कहा, सर्जेंट ऑफ, सर्जेंट ऑफ, आई ऑर्डर यू, मैं तेरे को आदेश देती हूँ, टू ईट द सैंडविच इमिडिएटली, कि इस सैंडविच को आप इमिडिएटली यानी तुरंत इसी समय खा लो। ऑफ, मेकिंग ए फेस, मुंह को बनाते हुए, हु, कौन, लेफ्टिनेंट, मी, मैं, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, आई अटेंड, ओमेगा, सैल्यूटिंग, सैल्यूटिंग करते हुए, फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स, मंगल ग्रह के सम्मान के लिए, ऑफ, ऑफ, यस, ऑफ कोर्स, निसंदेह, अनहैप्पीली यानी नाराजगी के साथ में, इमिडिएटली तुरंत, ही ओपन हिज माउथ, वह अपने मुंह को खोलता है, वाइट चौड़ा, ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रीथलेसली, और ओमेगा और आयोटा है उसको निशब्द भाव से या स्तब्ध होकर के देखते हैं। ही बाइट्स डाउन ऑन ए कॉर्नर ऑफ द बुक, वह उस किताब का एक कोना है उसको काटता है, एंड और पेंटोमिसली च्यूमिंग, और निशब्द भाव से उसको चबाने लग जाता है, एंड और स्वलोइंग, और निगलता है, वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेज, और तब अपना चेहरा है वो भयानक बना लेता है। ओमेगा, वेल ऑफ, अच्छा ओप, आयोटा, वेल ऑफ, ओप कफ, कफ से, ओप खांसता है, ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम, और ओमेगा और आयोटा है वो उसकी पीठ को थपथपाते हैं, ऑन बैक, पीछे से। थिंक थिंक, वाज इज नॉट डिलीशियस, सर्जेंट ओप, अरे सर्जेंट ओप, क्या यह स्वादिष्ट नहीं है क्या। ऑफ, सैल्यूटिंग, सैल्यूटिंग, अभिवादन करते हुए, दैट इज करेक्ट सर, यह सही है श्रीमान, आई वॉज नॉट डिलीशियस, इट वॉज नॉट डिलीशियस, यह स्वादिष्ट नहीं है, आई डोंट नो हाउ टू अर्थलिंग कैन गेट दोज सैंडविचेज, और मैं नहीं जानता कि पृथ्वीवासी हैं वो इनको सैंडविचेज को कैसे प्राप्त करते हैं डाउन नीचे, विदाउट वाटर, बिना पानी के, दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट, और यह तो इतनी सूखी है जितनी मंगल ग्रह की धूल है। नूडल, सर सर, श्रीमान श्रीमान, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, शक्तिशाली और महान थिंक टैंक, आई बैग योर पार्डन, मैं आई बैग, मैं मांगता हूँ आपकी दया, बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डाटा, लेकिन एक अतुच्छ छोटा सा सूचना फ्लोटेड इन टू माई माइंड, वह मेरे दिमाग में तैर रहा है, अबाउट दोज सैंडविचेज, इन सैंडविचेज के बारे में, थिंक टैंक, इट कांट बी वर्थ मच, यह ज़्यादा योग्य नहीं हो सकता, बट गो अहेड, लेकिन आगे चलो, गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा, आपकी जो तुच्छ सूचना है उसको दो। नूडल, वेल सर, अच्छा श्रीमान, आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स, मैं सर्वेक्षक फिल्में देख चुका हूँ, ऑफ दो सैंडविचेज, इन सैंडविचेज की, आई नोटिस दैट द अर्थलिंग डिड नॉट ईट देम, और मैंने देखा कि अर्थ पृथ्वी के वासी हैं वो इसको खाते नहीं है, दे यूज देम, वो उनका प्रयोग करते हैं, एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेज, डिवाइसेज युक्ति, कुछ संचार की युक्ति के रूप में उनका उपयोग करते हैं। थिंक टैंक, होटिली, अहंकार पूर्वक, नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, दैट वॉज माई नेक्स्ट पॉइंट, यह मेरा अगला बिंदु था, दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेज, और ये वास्तव में संचार की सैंडविचेज हैं। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक कभी गलत नहीं हुआ है, हु इज नेवर रॉन्ग, कौन गलत नहीं है, सैल्यूटिंग, अभिवादन करते हुए, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, शक्तिशाली और महान थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता है। थिंक टैंक, देयरफॉर, इसलिए, आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, इसलिए मैं तेरे को आदेश देता हूँ कि आप इसको लिसन यानी सुनो। ओमेगा, लिसन टू देम, इसको सुना जाए, आयोटा एंड ऑफ, टू ईच अदर पजल्ड,
एक दूसरे को उलझन में, लिसन टू देम, इसको सुनो, थिंक टैंक, डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, क्या आपके आपके कानों के अंदर कंचे या कांच की गोलियां हैं क्या, आई सेड, मैंने कहा, लिसन टू देम, इसको सुनो, मार्शियंस बो वेरी लो, और जो मंगलवासी हैं वो बहुत नीचे झुक जाते हैं, ओमेगा, इट्स शैल बी डन सर, यह किया जाएगा श्रीमान, दे इज टेक टू बुक्स फ्रॉम द केस, और उन प्रत्येक लोगों ने दो किताबें ली उस केस यानी उस अलमारी से, एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स, और उन्हें अपने कानों के पास में रख लिया, लिसनिंग इंटेंटली, और ध्यानपूर्वक सुनने लगे, आयोटा, विस्परिंग टू ओमेगा, ओमेगा से फुसफुसाहट करते हुए, डू यू हियर थिंग एनी थिंग, कि क्या कुछ आप सुन रहे हो, आयोटा, विस्परिंग बैक, पुनः फुसफुसाते हुए, नथिंग, कुछ नहीं, डू यू हियर एनी थिंग ऑफ, एनी थिंग ऑफ, क्या तुम कुछ सुन रहे हो क्या, ऑफ, लाउडली, जोर से, नोट ए थिंग, बिल्कुल एक भी चीज़ नहीं, ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, और ओमेगा और आयोटा हैं वो उछलते हैं फ्राइट एंड भय के अंदर, ओमेगा एंड आयोटा से दे लिसन इंटेंटली अगेन, और वो दोनों बिल्कुल ध्यानपूर्वक उसको पुनः सुनते हैं, थिंक टैंक, वेल वेल, ठीक है ठीक है, रिपोर्ट मी, मेरे को रिपोर्ट दो, व्हाट डू यू हियर, कि आपने क्या सुना, ओमेगा, नथिंग सर, कुछ नहीं श्रीमान, परहैप्स शायद वी आर नोट ऑन द करेक्ट फ्रिक्वेंसी, कि हम सही आवृत्ति के ऊपर नहीं है, आयोटा, नथिंग सर, कुछ नहीं श्रीमान, परहैप्स द अर्थलिंग हैव शार्पर ईयर्स, शायद पृथ्वीवासी हैं उनके तेज कान हैं, देन वी डू, जितना जैसा कि हम करते हैं, ओप, आई डोंट हियर ए थिंग, मैं एक भी चीज़ नहीं सुन रहा हूँ, मे भी हो सकता है, दी सैंडविचेज डोंट मेक साउंड्स, कि ये जो सैंडविचेज हैं वो आवाज़ नहीं करती हूँ, थिंक टैंक वाट, क्या डज समबॉडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक, कि क्या कोई व्यक्ति शक्तिशाली थिंक टैंक को सुझाव देगा, हैज मेड ए मिस्टेक, थिंक टैंक हैज मेड ए मिस्टेक, थिंक टैंक कोई गलती करता है क्या, ओमेगा, ओ नो सर, अरे नहीं श्रीमान, नो सर, नहीं श्रीमान, वी सेल कीप लिसनिंग, हम सुनना जारी रखेंगे, नूडल, प्लीज एक्सक्यूज मी, कृपया मेरे को माफ कर दो, योर ब्रिलियंस, आपकी ब्रिलियंस यानी आपकी बात बुद्धिमत्ता, बट लेकिन ए क्लाउडी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक धुंधला सूचना का टुकड़ा, इज ट्रूलिंग, वह चक्कर खा रहा है, अराउंड इन माई हेड, मेरे दिमाग के अंदर, थिंक थिंक, वेल ठीक है, ट्रूल इट आउट, इसको बाहर निकालो, नूडल नूडल, एंड और आई विल क्लेरिफाई इट, और मैं आपके लिए इसे स्पष्ट कर देता हूँ, फॉर यू, आपके लिए, नूडल, आई सीम टू रिकॉल, और ऐसा प्रतीत होता है कि मैं इसे याद करूं, दैट द अर्थलिंग डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेज, कि जो पृथ्वीवासी हैं वो नहीं सुनते द सैंडविचेज, इन सैंडविचेज को, दे ओपन देम, वो इन्हें खोलते हैं, एंड वॉच देम, और इनको देखते हैं, थिंक टैंक, यस हाँ, दैट इज क्वाइट करेक्ट, ये बिल्कुल सही है, आई विल क्लेरिफाई, मैं इसको स्पष्ट करूँगा, फॉर यू, आपके लिए, कैप्टन ओमेगा, दो सैंडविचेज आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, और ये सैंडविचेज हैं वो कानों के संचार के लिए नहीं है, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, ये दृष्टि संचार के लिए हैं, नाउ अब कैप्टन ओमेगा, टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविचेज ओवर देयर, अब आप जो बड़ी और रंगीन सैंडविचेज हैं उनको ले, इट अपीयर्स टू बी इम्पोर्टेंट, और ये लगती हैं महत्वपूर्ण, टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, और मेरे को बताओ कि आपने क्या निरीक्षण किया, ओमेगा पिक्स अप ए वेरी लार्ज वॉल्यूम, और ओमेगा है पिक्स अप यानी उठाता है एक बड़ा संग्रह ऑफ मदर गूज का, होल्डिंग इट सो, और इसको पकड़ते हुए, दैट द ऑडियंस कैन सी, जिससे कि श्रोता लोग देख सकें, द टाइटल सीसर, आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, आयोटा देखती है उसके लेफ्ट शोल्डर, हर लेफ्ट शोल्डर उसके बाएं कंधे से, एंड ऑफ और ऑफ पियर्स इन देखता है ओवर हर राइट शोल्डर उसके राइट यानी दाएं कंधे से, ओमेगा इट अपियर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स, इट अपियर्स और यह प्रकट होता है, टू कंटेन यानी समाहित करना, तस्वीरें पृथ्वीवासियों की, आयोटा देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, और यहाँ पर कुछ किसी प्रकार के कूट हैं वो प्रतीत होते हैं, थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड और शार्पली तेजी से रुचि रखते हैं, कोड कूट, आई टोल्ड यू दिस, मैं आपको ये बताऊं, दिस वाज इम्पोर्टेंट, यह महत्वपूर्ण था, डिस्क्राइब द कोड, इन कोडों का वर्णन करो, ओप इट्स लिटिल लाइन्स एंड
स्क्विजल्स, इसकी छोटी छोटी रेखाएं और स्क्विजिल्स यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं एंड डॉट्स और बिंदुएं, थाउजेंड्स ऑफ देम, उनमें से हजारों, अलोंग साइड द पिक्चर्स, उन तस्वीरों के चारों ओर, थिंक टैंक, परहैप्स शायद, द अर्थलिंग आर नोट ए नोट एज प्रिमिटिव, शायद पृथ्वी के वासी इतने ज़्यादा प्रिमिटिव यानी आदिकालीन नहीं है एज वी हैव थॉट, जैसा कि हम सोच चुके हैं, वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमें अवश्य ही इन कूटों को खोलना चाहिए, नूडल फॉरगिव मी, मुझे माफ करो, योर क्लेननेस, आपकी चतुराई, बट डिड नोट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव ओवर स्पेस पीपुल, लेकिन हमारा जो रसायन विज्ञान रसायन विभाग है वो अभी तक जो स्पेस के लोग हैं उनको विटामिन नहीं दिए हैं, दे दिए हैं टू इंक्रीज, बढ़ाने के लिए देयर यानी उन इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता, थिंक टैंक, स्टॉप रुको, ए थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस, एक मैग्निफिकेंस यानी भव्य, एक विचार, भव्य विचार बुद्धिमत्ता का, हैज़ कम टू मी, वो मेरे पास आया है, स्पेस पीपुल, स्पेस पीपलों के लिए, और केमिकल डिपार्टमेंट हैज़ गिवन यू विटामिन सी, हमारा जो रासायनिक विभाग है वो आपको विटामिन दे चुका है टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए, टेक देम इमिडिएटली, इन्हें तुरंत ले लो, एंड देन और तब, वाच द सैंडविचेज, इन सैंडविचेज को देखो, द मीनिंग ऑफ द कोड, और इन कूटों का जो अर्थ है, विल स्लोली अनफोल्ड, वह धीरे धीरे खुल जाएगा बिफोर यू, आपके सामने, इट शैल बी डन सर, ऐसा ही किया जाएगा श्रीमान, रिमूव विटामिन, विटामिन को हटाओ, क्रू टेक्स विटामिन, और जो दल के लोग हैं उन्होंने विटामिनों को लिया फ्रॉम बॉक्सेज, बॉक्स से ऑन देयर बेल्ट, जो उनके बेल्ट पर था, प्रजेंट प्रजेंट विटामिन, वर्तमान जो विटामिन है, दे होल्ड विटामिन, उन्होंने विटामिनों को लिया आउट इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने स्टिवली, सख्ता से, स्वालो विटामिन, स्वालो यानी निगलना, इन विटामिन को निगल लो, द पोप द विटामिन, द पोप और जो विटामिन हैं, इन टू देयर माउथ, जो आपके माउथ यानी मुँह में है, एंड गल्प और निगल लो, सिमुलेटेनियसली एक साथ, दे ओपन देयर आइज, उन्होंने वाइड, उन्होंने अपनी आँखों को चौड़ा खोला, देयर हेड शेक और अपने सिर को लाया, एंड देन दे पुट देयर हैंड्स, तब अपने पुट यानी रखे अपने हाथ, टू देयर फोरहेड, अपने आगे के सर के ऊपर, थिंक टैंक, एक्सीलेंट, बहुत ही शानदार, नाउ डिसिफर दैट कोड, अब ये जो कूट है ना, डिसिफर यानी इनका अर्थ निकालो, ऑल सभी, इट शैल बी डन सर, यह किया जाएगा श्रीमान, दे फ्रोन ओवर द बुक, उन्होंने फ्रोन ओवर यानी बोहे तानी, किताब के ऊपर, टर्निंग पेज, पन्ने पलटने लगे, ओमेगा ब्राइटली, आहा आयोटा ब्राइटली, ओ ओ ब्रस्टिंग इन टू लाफ्टर, हंसने लग जाता है, हा 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 हा, थिंक टैंक, व्हाट डज इट से, इसके अंदर क्या कहा गया, टेल मी दिस इंस्टेंट, इंस्टेंट इन तुरंत, मेरे को अभी बताओ।